तीन तलाक से शुरू हुई एक कहानी में शौहर ने पहली को छोड़ दूसरी से शादी रचाई, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खुशहाल ना रही, बल्कि दूसरी ने भी जज्बातों की कद्र ना की। पति को सलाखों के पीछे भिजवा दिया, जहां सजा के दिनों पहली पत्नी की याद आई, जिसकी पनाह में जाते ही तलाकशुदा पति की मौत आ गई। लेकिन कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तलाक, शादी, फरेब और कत्ल के इर्द गिर्द घूमती जिस रहस्यमय पहेली से पर्दा उठा है, वहाँ हर हर खून से लिखा गया है। तो चलिए तीन तलाक से शुरू एक ऐसी अबूझ पहेली से आपका सामना करवाया जाए जिसकी सच्चाई हिला देने वाली है। तुआगंज थाना क्षेत्र में पनेठी से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पे चार दिन पहले सवेरे एक स्कोडा गाड़ी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ था। फॉरेंसिक टीम, मैं, SPRA, SPCT सारे लोग हम लोग मौके पे गए थे और हमारी क्राइम ब्रांच ने बहुत ही कम समय में शाम तक मृत व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया और बड़ी मेहनत करने के बाद आज चौथे दिन हत्या का खुलासा हुआ। कहानी सुनाने से पहले आपको फ्लैशबैक मिलिए चलते हैं। तारीख थी 11 नवंबर 2017। पहले सुबह अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के गांव अलहदापुर से सटे साधु आश्रम रोड पर एक स्कोडा जली हालत में गिरी। कार बिल्कुल राख में तब्दील हो चुकी थी, बस उसका ढांचा बचा था, लेकिन उसके भीतर जो मिला उसे देख कर हर राहगीर खौफ से भर उठा। कार के भीतर एक अजली लाश पड़ी थी जिसे पहचान पाना हर किसी के लिए मुश्किल था। खबर फौरन थाना हरदुआगंज पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही लाश की शिनाख्त करनी शुरू की, लेकिन पहचान पाना क्या इतना आसान था, लिहाजा पुलिस जली कार के नंबर को सर्च करना शुरू की, जिसके पंचिंग नंबर प्लेट कार के मालिक की पहचान सामने आई, जो दिल्ली के अशोक नगर का रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर रिजवान निकला। जहाँ पुलिस ने रिजवान के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उसकी गुमशुदगी की खबर मिली, तो पुलिस को ये समझते देर न लगी कि कार में जिस शख्स की लाश मिली वो किसी गैर की नहीं बल्कि रिजवान की। लेकिन रिजवान की हत्या किसने और क्यों की, इसकी पड़ताल शुरू की तो चार दिन के भीतर एक हैरान कर देने वाला राज सामने आया। जैसा कि आप जानते हैं, मृतक 26 पिछले महीने की 26 तारीख को ही तिहाड़ जेल से छूट के आया था। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे के दूसरी पत्नी उसके साथ रह रही थी और इसी बीच में दूसरी पत्नी से उसका झगड़ा हुआ, मुकदमा लिखा गया और मृतक को जेल हो गई। आने के बाद वो पुनः पहली पत्नी के पास पहुंच गया। उस पीरियड में जब उसने तलाक दे दिया था तो अभियुक्तों में से एक सोनू से उसके कुछ संबंध हो गए थे। 26 तारीख को दिल्ली के तिहाड़ जेल से सजा काट कर बाहर आए रिजवान के जेल जाने की वजह साफ और साथ ही उसकी दो शादियों की बात सामने, जहां रिजवान ने अपनी पहली पत्नी नाजीन को तलाक देकर दूसरी शादी रचाई, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी से भी नहीं बनी। अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे, यही कारण था कि रिजवान को उसकी पत्नी ने मारपीट के इल्जाम में जेल भिजवा दी। इस हालात में रिजवान समझ सकता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी किस कगार पर है। उसे पहली पत्नी की याद सताने लगी। इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता था कि नाजीन को लेकर वो अचानक संजीदा हुआ होगा, लेकिन रिजवान को इस बात का अंदाजा न था कि जब उसने उसको छोड़ा था उस वक्त के बाद वो किसी गैर की हो चुकी थी। इस हालात में नाजरीन और रिजवान की तलाक के बाद जो मुलाकात हुई, वहाँ नाजरीन को ये बात बेहद नागवार गुजरी। वो रिजवान को अपने राह का रोड़ा मानने लगी, क्योंकि उसके दिल पर सोनू नाम के लड़के का राज चलता था। लेकिन जेल से छूट के आने के बाद जब वो पहली पत्नी के पास गया तो ये उसको नागवार गुजरी ये बात, और उसने इन अभियुक्तों से साठ गांठ करके इसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई और एक साजिश के तहत ये उसको दिल्ली से ले आए। अलीगढ़ रोड पर कहीं इन लोगों ने छक्के शराब पी और उसके बाद पीछे बैठे हुए दोनों अभियुक्तों ने जो रस्सी वहां जली हुई मिली थी उस गाड़ी में, उससे आगे बैठे हुए मृतक के
गर्दन में फंदा लगा के उसे मार दिया। नाजरीन को पता था कि रिजवान का दिल्ली एनसीआर में करोड़ों की जायदाद, जिसे हासिल करने का एकमात्र जरिया प्यार, जो एक बार वो रिजवान पर जाहिर कर दे तो रिजवान के नाम की पूरी दौलत उसकी हो जाए। लेकिन रिजवान की पूरी जायदाद को उसके जीते जी हासिल करना इतना आसान कहां था। लिहाजा नाजरीन एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने आशिक सोनू और भाई की मदद ली। आशिक सोनू ने अपने साथियों को इस साजिश में शामिल की, जिसके बाद रिजवान को दिल्ली से अलीगढ़ मौज मस्ती करने के लिए बुलाया गया। सभी ने सफर के दौरान छक्कर शराब पी और जैसे ही रिजवान नशे में धुत हुआ, उसकी बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसकी लाश को पेट्रोल से तरबतर किया गया और आग के हवाले कर दिया गया और इस कदर जलाया गया कि रिजवान के बचने की कोई गुंजाइश न बची। और फिर पेट्रोल निकाल के गाड़ी में से ही और गाड़ी में भीतर और बाहर पेट्रोल डाल के गाड़ी को लॉक करके उसमें आग लगा दी। इस चूंकि वो लाइटर से आग लगाई और उसके फ्लेम से इनके हाथ भी झुलस गए, जो आप देख रहे होंगे। केवल एक अभियुक्त अवशेष है, तीन वो लोग जो गाड़ी में थे मारने वाले और जिंदा जलाने वाले, और एक उसकी पत्नी जो इस साजिश में शामिल थी, पत्नी और पत्नी का भाई, ये सभी पुलिस के गिरफ्त में है। फरार आशु उर्फ आस मोहम्मद की गिरफ्तारी हम जल्दी करेंगे। इस घटना के बाद पुलिस के पास रिजवान की कार का नंबर था और साथ ही उसका मोबाइल नंबर, जिसके सहारे पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जेल से छूटने से लेकर उसके घूमने फिरने तक उसकी कब किससे और कितनी बार बात सभी नंबरों को ट्रेस किया गया। इससे ये साफ हुआ कि पहली पत्नी के संपर्क में लगातार रिजवान, जिसे पुलिस ने दबोचा और उसका हमराज भी हाथ लगा, इन्होंने पुलिसिया पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, जहां अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी बची और पुलिस इस खुलासे से बेहद चौड़ी, जो वाकई काबिले तारीफ। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार। विश्वास की बिसात पर बने इस दोस्ती के रिश्ते का पहले ही कत्ल हो चुका था, लेकिन भरोसे के बदले खूनी बिसात बिछाने वाले दोस्त ने तो दो दो मर्डर एक साथ कर डाले, पहला अपनी दोस्ती का और दूसरा अपने दोस्त का। आखिर दो दोस्तों के बीच की क्या है खूनी कहानी, आप भी देखिए। घर से लापता हुए नफीस की खबर ना घर वालों को और ना ही दूसरों को उसके बारे में कुछ पता था। अपने परिजनों को बिना बताए नफीस जो पहले कभी लापता नहीं हुआ था, इसलिए सगे संबंधियों के साथ नफीस के परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। 24 घंटे से वक्त ज्यादा बीत जाने के बाद नफीस जब घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट बिजनौर के शेरकोट थाने में दर्ज कराई। नफीस को लेकर पुलिस हरकत में आती, उससे पहले लापता नफीस की सारी जानकारी मांगी गई, दुश्मनी से लेकर पैसे के लेन देन पर घर वालों से सवाल पूछे गए, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, जहां पुलिस तुरंत कार्रवाई कर गुमशुदा नफीस का पता लगा। थाना अध्यक्ष की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बिना किसी सुराग के नफीस को आखिर कहां ढूंढा जाए, ये चुनौती पुलिस के सामने थी। लेकिन 12 नवंबर 2017 की शाम तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच थाना अध्यक्ष के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाने के साथ एक अजनबी ने पुलिस को ये सूचना दी कि उसने नफीस की हत्या कर दी है और उसका शव उसके घर में पड़ा है। जैसे ही खूनी के ये शब्द थाना अध्यक्ष के कान में पड़े, वो हैरान रहे, क्योंकि कातिल ने खुद फोन कर अपना गुनाह कबूल कर रहा था, लेकिन यहाँ कातिल की पहचान जरूरी थी, इसलिए थानेदार ने तुरंत कातिल का नाम और पता पूछा। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को मिला, जिसके बाद इस फोन कॉल की तफ्तीश के लिए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और बताए पते की ओर अपना रुख किया। पता नहीं चला, ऐसे करते जुमरात के दिन से लापता थे, कल उनकी बॉडी मिली इस्माइल के घर से। अच्छा, उन्होंने क्या बता के कैसा बता इस्माइल का फोन आया था, वो बोलते हैं कि जी लाश हमारे घर में है, पुलिस वाले आए थे कल यहाँ पर, उन्होंने बताया कि ठीक है बॉडी मिली, पहचान लो आप, हमने पहचान नहीं बोली है।
जिस घर के बारे में पुलिस को बताया गया ये घर उसी कातिल का है जिसने अपने घर का पता बता दिया, लेकिन घर के बाहर लटके ताले को देखकर पुलिस के पांव एक बार फिर रुक गए। लेकिन मामला मर्डर से जुड़ा था, नफीस के शव को बरामद करने के लिए घर की तलाशी जरूरी थी, इसलिए शेरकोट पुलिस ताले को तोड़ घर में दाखिल हुई, जहां फोन पर कत्ल की सूचना देने वाले शख्स की बात सही निकली। घर के अंदर लापता नफीस का शव पड़ा जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी, लेकिन घर का मालिक इस्माइल और उसका परिवार नदारा था। इस्माइल हत्या की बात कबूल चुका था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद परिवार सहित वहां से गायब भी हो चुका था, इसलिए पुलिस इस्माइल की हिस्ट्री तलाशने में जुट गई। नफीस के परिजनों से पूछताछ हुई तो पता चला इस्माइल और नफीस दोनों जिगरी दोस्त हैं। इस्माइल रोजगार के सिलसिले में सऊदी में रहता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटी इसी घर में रहा करती है। इस दरमियान दोस्त होने के नाते नफीस इस्माइल के घर भी जाया करता था और उसकी पत्नी और परिवार का पूरा ख्याल रखता था। इस दोस्ती में दरार कब पड़ी और ये दरार दुश्मनी में कब तब्दील हुई, इस बारे में नफीस के घर वाले भी अनजान थे। दिनांक 12/11 को रात करीब 7:30-8 बजे के करीब थानाध्यक्ष के फोन पे फोन आता है कि इस्माइल नाम के व्यक्ति का, कि उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और लाश उसके घर में पड़ी है। इसी बीच जो मृतक है नफीस अहमद, उसके परिवार वालों को भी अभियुक्त ने फोन करके बताया कि वो मेरे पास है और ठीक है, 3-4 दिन से वो गायब था। तो उसके घर वाले थाने पे गुमशुदगी की तहरीर लेकर आए और फोन भी आ गया। इधर पुलिस जब वहाँ उसके घर पहुंची, अभियुक्त के घर, तो उसके घर से उस नफीस अहमद की लाश बरामद हुई, उसको भेज करके PMO पंचायत जमा कर। पुलिस पसोपेश में नजर आ रही थी, लापता नफीस का शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। हालांकि इस्माइल का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग चुका था, इसलिए सर्विलांस के जरिए पुलिस लगातार उस पर नजरें बनाए रखना चाहती थी। इस्माइल लगातार लोकेशन बदल रहा था, लेकिन उसके दिल्ली पहुंचने के साथ UP पुलिस ने उसे तलाश लिया और इस्माइल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब बारी उस दुश्मनी को जानने की थी, जहां दो जिगरी यारों के बीच ऐसी क्या बात कि इस्माइल ने नफीस की जान ली। पुलिस की चंगुल में आते इस्माइल अपना गुनाह कबूल कर चुका था, इसलिए उसने वो कारण भी बताया जहां दोनों की ये बात दोस्त नफीस की वजह से नापाक हो चुकी। इस्माइल पिछले 2 साल से सऊदी में रहता था, इसलिए पति पत्नी के बीच दूरियां भी बढ़ चुकी। इसी दूरी का फायदा उठाते हुए नफीस ने उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए और उस पर जब जबरदस्ती निगाह करने का दबाव बना लगा, नफीस की इन बातों से इस्माइल की बेगम खफा होती तो नफीस उसकी बेगम और बेटी के साथ मारपीट करता। पुलिस के मुताबिक इस्माइल की पत्नी ने ये सारी बातें खुद इस्माइल को बताया, जिसे सुनकर इस्माइल का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और सोची समझी साजिश के तहत नफीस को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर और दिल्ली फरार हो गया। घटनाक्रम ये निकल के आया कि जो ये अभियुक्त है उसकी पत्नी, वो 2 साल से सऊदी में रहता था, इस बीच उसकी पत्नी के संबंध मृतक के साथ हो गए और जो मृतक था वो उसकी पत्नी पे नाजायज दबाव बना रहा था कि वो उससे निकाह कर ले, और इसी को लेकर के वो अपनी उसके बेटे बच्चों को और उसकी पत्नी दोनों को मारता पीटता था। इसकी शिकायत मृतक अभियुक्त की पत्नी ने अपने पति से करी थी। जब वो लौट करके सऊदी से 9 तारीख को वापस आया, शेरकोट वापस आया जब, तो उसने नफीस अहमद को अपने घर बुलाया, घर बुला करके रिंच से सर पे वार करके उसको गिरा दिया और उसके बाद और उस पे कई वार करके सर पे उसकी हत्या कर दी। जोर और जमीन का विवाद अक्सर खूनी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ कोई अपना ही विश्वास घाती होगा। यहाँ पहले 2 दोस्तों के बीच विश्वास का कत्ल किया गया, फिर दूसरे दोस्त ने मर चुके विश्वास के बदले उस दोस्त को मार डाला जिस पर उसने कभी खुद से ज्यादा भरोसा किया। अर्शद जैदी, बिजनौर, समाचार बस। अपराधियों का गढ़ बना प्रतापगढ़, जहां एक के बाद एक दो ऐसी हिला देने वाली खूनी कहानियां लिखी गई जिसकी दस्तक से पूरा प्रतापगढ़ थर्रा उठा। लेकिन अपराध मुक्त सूबे का दावा करती पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस अभी भी दलीलें देती फिर रही है।
कोतवाली के गांव सधा के रहने वाले बुजुर्ग राम अभिलाष यादव और लालगंज कोतवाली के सराय लालमती गांव के रहने वाले शिवचरण, दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले बाशिंदे, लेकिन मौत हूबहू एक जैसी और एक ही घड़ी में। दोनों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, वो भी उस वक्त जब दोनों अपने अपने खेतों की रखवाली करने घर से खेत पहुंचे थे, जहां घात लगाए अपराधियों ने दोनों के जिस्म में एक के बाद एक गोलियां उतारी। बुजुर्ग राम अभिलाष को खेत में बने राइस मिल के पास गोली मारी गई और शिवचरण को भी खेत में निशाना बनाया गया, जहां सुबह होते ही दो गांवों में मातम पसर गया। जिस किसी ने दोनों की हत्या की खबर सुनी, गांव उमड़ता चला गया। आज राम अभिलाष के परिवार को पता है कि उनके साथ ऐसा किसने किया, लेकिन शिव कुमार का परिवार इस तरह की अनहोनी से अनजान था, जहां शिव कुमार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन अभिलाष का बेटा जानता था कि गांव के दबंगों को एक ऐसे ही मौके की तलाश थी, जिन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने बुजुर्ग राम अभिलाष को भून डाला। आज पिता की मौत से बेटे का कलेजा रो रहा है, वो जानता है जिन लोगों ने खूनी खेल खेला। ये आदम है, उनके भाई विनोद है, उनका एक भतीजा है, एक सुरेंद्र परमार। विजय यादव वही जो सपा का नेता है अपने को बता, क्या क्या दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी कुछ नहीं, सिर्फ वो भी चुनाव लड़ता था, हम भी चुनाव लड़ते थे, बस इतने है। तो क्या किया उन लोगों ने आज? मेरे पिताजी गोली मारे। कहाँ पे गोली मारी गई? खेत में। राइस मिल खेत में ही है ना? राम अभिलाष की गांव के रहने वाले सपा नेता विजय यादव से पुरानी अदावत चली आ रही थी। सपा नेता विजय यादव के भतीजे के कत्ल के इल्जाम में राम अभिलाष के तीनों बेटे नामजद आरोपी थे, जिनमें दो भाई कुछ दिनों पहले ही सलाखों से सजा काट कर बाहर निकले थे। जेल से बाहर आने की वजह क्या थी, ये बात भी जग जाहिर है। इलेक्शन के आते ही दोनों भाई जमानत पर बाहर निकले, लेकिन दुश्मनी करने वाले सपा नेता को पता था कि अदावत कैसे और कब निभाई जाती है, चुनावी रंजिश की आग कैसे बुझाई जाती है। लेकिन क्या वाकई सपा नेता विजय ने राम अभिलाष के जिस्म में गोलियां दागी? क्या उसी ने राम अभिलाष के लहू से खेत को सींचा? अभी कुछ साफ नहीं, और न ही ये साफ हो सका कि धान की रखवाली करने वाले शिवचरण की किसी से क्या कोई रंजिश हो सकती है। थाना पट्टी में हुआ है, एक थाना लालगंज में हुआ है। पट्टी वाले की जो अभी तक जानकारी आई है, उसमें एक राम अभिलाष यादव है, जिनकी उम्र 65 साल है, उनकी गोली मार के हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया अभी तक जो बात सामने आ रही है, उसमें है कि ये उनके बेटे पहले हत्या में अभियुक्त रहे हैं, और रंजिश की बात प्रकाश में आ रही है, लेकिन और डिटेल जानकारी हम लोग कर रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। सपा नेता विनोद समेत चार के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है, क्योंकि परिवार उसी को कातिल करार दे रहा है। दुश्मनी सपा नेता विनोद से चली आ रही थी, जिसने भतीजे के कत्ल के आरोप में एक बेगुनाह के जिस्म को छलनी कर दिया। तो क्या उसने रंजिश की कभी न बुझने वाली आग लगाई? मामले से पुलिस भी वाकिफ है, लेकिन पुलिस के दावों का क्या असर दिख रहा है? क्या अपराधी बाज आ गए? क्या वो जान गए कि उन्हें किस हद तक मनमानी करनी है, किस हद तक नहीं? पुलिस के पास आज बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं। पुलिस हर बार की तरह इस बार भी वही घिसा पिटा राग अलाप रही है। शिवमोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, समाचार प्लस।